नमस्कार, आप देख रहे हैं नूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवार। गढ़शाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि गढ़शाना में कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए जनता कर्फ्यू के तहत अनावश्यक मंडी में आने वाले व्यक्तियों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस दल की करीब 6 टीमों द्वारा नाकाबंदी कर की जा रही है कार्रवाई। 2 दर्जन से अधिक वाहनों पर MB एक्ट के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन आदेश निर्देशानुसार रोजड़ी में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाबंदी चल रहा है, परमानेंट नाका है। वहाँ पे बाहर से आने वाले वाहन और यहाँ से जाने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग हो रही है। और आज यहाँ वो लोग जो बेवजह है घरों से बाहर निकले तो अपने वाहनों से घूम रहे थे बिना किसी कारण के, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और करीब 2 दर्जन वाहनों को MB एक्ट के तहत उनका चालान किया गया और सीज किए गए। और हमारी अपील है जनता से कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें बिना किसी कारण से। जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यक है, इमरजेंसी है, इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है कि बाहर जाकर इलाज कराना है या कोई डॉक्टर को दिखाना है या और कोई सेवाएँ लेनी है, तभी बाहर निकलें। ओके सर, थैंक यू। इसके साथ गढ़शाना में SDM व DYSP अनूपुर द्वारा बीकानेर गंगानगर बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट पर महामारी के मद्देनजर पुलिस मेडिकल टीचर्स की टीम के साथ स्थित किया गया मुआयना। SDM गढ़शाना एवं SHO रावला द्वारा सब डिवीजन गढ़शाना व रावला चेक पोस्ट पर किया निरीक्षण। SDM गढ़शाना और SHO रावला द्वारा 365 उप तहसील चेक पोस्ट पर की गई जाँच।